खबर दुर्ग से है, जहां लिफ्ट में महिला के दोनों पैर फंस गए, जिससे महिला की पैर की हड्डी बुरी तरह से टूट गई। वहीं पीड़िता के बेटे सौरभ रंजन ने स्मृति नगर पुलिस चौकी में मामला दर्ज करवाया। आपको बता दें कि लिफ्ट में तकनीकी खराबी के चलते उसका दरवाजा बंद नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। गए घूमने के लिए, वहाँ से लौट के हम लोग आए करीब 10:15 बजे। इसके बाद हम लोग सब अपने कार को पार्क करके लिफ्ट में घुसे हैं। हम मेरी वाइफ, मेरा बच्चा घुसे ही थे और मम्मी घुस ही रही थी। इतने में लिफ्ट ऑटोमेटिकली चलने लगा, ना उसका ग्रिल लॉक हुआ है, ना कोई बटन दबा है, वो ऑटोमेटिकली चल पड़ा और रुका तो जाके फिफ्थ पे ही, क्योंकि वो समझ में नहीं आया कि वो चला कैसे, क्योंकि अभी तक लिफ्ट कभी भी वैसे नहीं चलता जब तक उसका पहला गेट और सेकेंड गेट, जब तक दोनों गेट लगता नहीं है तब तक वो चलता नहीं है। चला ये हमें भी नहीं पता चला। अभी बिंदुओं पे भी जांच चल रही है, दोबारा उसका बयान लिया जाएगा, उसके पुत्र को भी बुलाया जाए, क्योंकि लिफ्ट सही था नहीं था इसकी रिपोर्ट जो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट देती है। उसकी टीम वहाँ पे आई हुई, विस्तृत रिपोर्ट देगी, विस्तृत रिपोर्ट के ऊपर आगे कार्रवाई की जाए।